चिकन एकदम ड्राई होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन पेस्ट, ये एक कप जितना ग्रीन पेस्ट है। इसको हम इस तरह बनाएंगे, एक ग्राइंडिंग जार में हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स पीस लेंगे। एक मुट्ठी भर पुदीना, पुदीने का सिर्फ पत्ता लीजिएगा। दो मुट्ठी भर कोथमीर, 5 से 6 काजू, 1 टीस्पून मगज़, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिएगा। काजू और मगज़ से थिकनेस आता है पेस्ट में। मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है, तीखा आप अपने हिसाब से डालिए जितना तीखा आपको चाहिए। 2 टेबलस्पून जितना पानी मैंने लिया है। अब हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे, 1 टेबलस्पून अगर आपके चाहिए। 2 टेबलस्पून लहसुन आप से डालिए जितना तीखा आपको चाहिए, यानी एकदम नहीं रहना चाहिए। चिकन तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, अगर आपके पास चिकन तंदूरी मसाला नहीं है तो आप चिकन गरम मसाला ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही हंकड़ पानी, अगर आपकी दही में है तो आप इसे निकाल दीजिए। खट्टी दही लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक स्वाद अनुसार, 1/2 से 1 नींबू जितना आपको खट्टा चाहिए। ढाबे पे जो पहाड़ी चिकन मिलता है उसमें कलर डलता है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए। मैंने पिंच ऑफ हरा कलर डाला है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लें इनमें। फ्राइंग पैन को मैंने गैस पे रख, इसे कोट हो जाए। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए 1 से 2 घंटा फ्रिज में रख देंगे। टर और 2 टेबलस्पून तेल मैंने लिया है। फ्राइंग पैन को मैंने गैस पे रख दिया है, गैस को आप मीडियम आंच पे रखिए। 2 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून तेल मैंने लिया है। जब बटर हल्का सा मेल्ट हो जाए तब हम ये मैरिनेटेड चिकन के पीसेस हम इसमें डाल देंगे। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। गैस को स्लो से मीडियम आंच पे रखिएगा। फ्राइंग पैन को अब हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि चिकन जल्दी से पक जाए। जब एक तरफ से चिकन हो जाए तब पलट के दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का ब्राउन होना चाहिए। चिकन को हम 80% ही पकाएंगे, इसके बाद हम इसे रोस्ट करेंगे। चिकन को रोस्ट करने से इसका टेस्ट एकदम ढाबे जैसा आता है। इस तरह का आप रोस्ट पैन ले लीजिए। गैस को हम स्लो से मिलेगा, तेज आंच से चिकन हमारा अच्छे से बारीक हो चुका है। ऊपर से आप इस पर चाट मसाला या नींबू छिड़क दीजिए।